88 की उम्र में फिर से ससुर बनी सलीम खान। खान खानदान की नई बहू बनी है शूरा खान। दूसरी बार शादी के बंधन में बंधे 56 साल के अरबाज खान। तो पापा ने दे दिया है बेटे के निकाह के बाद ऐसा बयान। जी हाँ, इस साल की क्रिसमस ईव बॉलीवुड की खान फैमिली के लिए बेहद खास रही। भाई इस शाम सुपरस्टार से भरे इस परिवार में जोरदार जश्न जो हुआ वो भी क्रिसमस का सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि इस दिन तो दिग्गज राइटर सलीम खान के घर में नई बहू का स्वागत हुआ। आखिर सलीम के बेटे नंबर 2 अरबाज खान ने सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान संग निकाह जो किया है। 56 साल की उम्र में अरबाज एक बार फिर से दूल्हा बनी और मलाइका अरोड़ा संग तलाक के 6 साल बाद उन्होंने शूरा को अपनी दूसरी बेगम बनाया। जहां इस वक्त बी टाउन में सिर्फ और सिर्फ अरबाज की सेकंड वेडिंग के ही चर्चे हो रहे हैं, तो दूसरी बार दूल्हे बने अरबाज भी लगातार अपनी दूसरी शादी की खास तस्वीरों को सोशल मीडिया पर फैंस संग साझा कर रहे हैं, जिनमें न्यूली वेड कपल के रोमांस से लेकर पूरे खान खानदान की झलक देखने को मिली। तो अब इसी बीच बेटे की दूसरी शादी पर अरबाज के पिता सलीम खान का भी फर्स्ट रिएक्शन सामने आ गया है। जी हाँ, खुद सलीम ने अरबाज के निकाह को लेकर मीडिया में अपना बयान दिया है। दरअसल एक लेटेस्ट इंटरव्यू में सलीम खान ने बेटे अरबाज खान की दूसरी शादी को लेकर बात की और कहा, बेटे के लिए खुश हूँ, उन्होंने शादी करने का फैसला किया। मेरे हिसाब से ये कोई गुनाह नहीं है, मैंने दूल्हा दुल्हन को अपना आशीर्वाद दिया है। इस बातचीत में सलीम खान से जब ये सवाल किया गया कि अरबाज खान ने शादी को लेकर उनसे कोई बातचीत की थी, तो इस पर सलीम ने जवाब देते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि चर्चा की कोई जरूरत है, वो यंग एजुकेटेड और मैच्योर है और अपने फैसले खुद कर सकता है, मेरी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर वो खुश है तो फिर कोई बात मायने नहीं रखती। उसने बस इतना बताया कि वो शादी करने जा रहा है और मैंने कहा ये ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि किसी की लाइफ में दखल ना देना ही बेहतर है, क्योंकि इससे समस्याएं पैदा होती हैं। अब सलीम की इन बातों से ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि उन्हें बेटे की शादी की बेहद खुशी है और परिवार में बहू के आने से भी वो काफी खुश महसूस कर रहे हैं। साथ ही उनके बयान में ये भी पता चल गया कि अरबाज ने बस उन्हें अपनी शादी की जानकारी दी थी, ना कि उनसे पहले इस बारे में कोई चर्चा की थी। आपको बता दें कि अरबाज ने 24 दिसंबर को ही दूसरी बार शादी की है। अरबाज ने मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान संग परिवार और खास दोस्तों की मौजूदगी में निकाह पड़ा है। अरबाज और शूरा के निकाह के फंक्शंस उनकी बहन अर्पिता खान शर्मा के घर पर हुए थे। वहीं गौरतलब है कि शूरा से पहले अरबाज विदेशी मॉडल जॉर्जिया एंड्रियानी को डेट कर रहे थे। करीबन 4 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों इसी साल अलग हुए हैं। तो इससे पहले अरबाज ने मलाइका अरोड़ा संग शादी रचाई थी और 19 साल की शादी दोनों ने साल 2017 में खत्म कर ली थी। ब्यूरो रिपोर्ट E24।